सभी भाई के प्रति जो विश्वास है, इतनी संख्या में आप चार पांच घंटे लगातार बैठी रही, आपका मैं माफी मांगता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने बहुत समय जो टाइम दिया, तो धन्यवाद करता हूँ जो अपने भाई के प्रति इतना मान सम्मान भाइयों ने नौजवान साथियों के सहयोग से इतना लंबा जो काफिला और बड़े हुए थे जोश के साथ नारों के साथ इतना जन समर्थन और भाइयों का अपने भाई के प्रति इतना प्यार करें, परमात्मा करे आपकी उम्र बढ़ाए, परिवार में सुख शांति रखे, भाइयों का अच्छा रोजगार के अवसर मिले, इन्हीं कामना के साथ पूरे परिवार का धन्यवाद भी करता हूँ। गांव की तरफ से समाज की जो पगड़ी मैंने सर के ऊपर रखे, आप लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि इस मान और सम्मान के प्रतीक को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। इसके ऊपर नौजवान साथियों बुजुर्गो, आपके बीच में जो आने का जो मकसद है आप सभी जानते हो, हमारा जो आने वाले जो 5 तारीख है विधानसभा का जो पवित्र त्योहार है उसकी वोट की अपील के लिए समर्थन के लिए आप लोगों के बीच में है। साथियों 10 साल का जो शासनकाल है बीजेपी सरकार का, लगातार आपने 2 बार उनको हमारे केंद्र में जो प्रदेश में बनाने का जो मौका देने का काम किया तो 36 के भाइयों ने किया, लेकिन जिस विश्वास और भरोसे के साथ हमने इनको सत्ता सौंपने का जो काम किया और जो इन लोगों ने हमारे देश में जो वायदे किए, जिस विश्वास के साथ हमने इनके सुखा सौंपने का काम किया वो 10 साल से लगातार हमारे प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार है, बड़े बड़े वादे हमारे बीच में करते थे, चाहे किसान की बात आते थे, चाहे हमारे नौजवान साथी की बात आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बेरोजगारी को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लेकिन साथियों तमाम बातें आप लोगों के सामने जो भी वादे किए, किसान आंदोलन चला 14 महीने, किसान आंदोलन चला लगातार 14 महीने में 7.5 करोड़ किसानों ने अपनी जान की आहुति दी, चाहे हम बात करें ये बात करते थे काला धन लाएंगे 15 लाख रुपए अंत में डालेंगे, चाहे बात करते थे नौजवान साथियों के भविष्य के उनके रोजगार के, जो मैं कहता हूँ कि देश में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान इस बीजेपी सरकार ने किया है तो हमारे नौजवान साथियों का किया है, अगली देश जैसी योजनाएं हमारे देश और प्रदेश में ला करके आज के समय में रोजगार साथियों का जो भविष्य अंधकार पैदा करने का काम किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया, चाहे हमारी बहन बेटियों के बारे में जिन लोगों ने कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, साथियों वो इतिहास करने की जरूरत है, जब हमारे देश की जैसे अभी हमारे दिनेश प्रभाव हमारी बहन पत्ता कर लेकर के आई थी 15 दिन पहले लीटर का था, आज 90 रुपए लीटर का मिल रहा है, हम 5
ट्रेन बनाई थी हमारे माताएं साथ में बैठे थे। आदरणीय हुड्डा साहब के टाइम में गैस का सिलेंडर का जो रेट था मेरी महंगा 450 रुपए था, वही गैस का सिलेंडर आज 1200 रुपए में मिलता है। नौजवान साथियों के करोड़ों करोड़ों नौकरियां देने की बात करते थे। हमारे देश और प्रदेश में जो आज हालात है, जो प्रदेश आदरणीय हुड्डा साहब के टाइम में रोजगार के मामले में एक नंबर पर होता था, आज के प्रदेश के जो हालात है वो आप लोगों के सामने है। बेरोजगारी का आलम यह है, अच्छी नौकरियां जो भर्ती कर रहे हैं पढ़े लिखे नौजवान साथी हमारी बहने 15,000, 18,000, 20,000 रुपए में नौकरी करने को मजबूर करने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। मेरी माता और नौजवान साथियों, ऐसी अहंकारी सरकार शायद देश में पहली बार आई है। देश में जो डर का माहौल है, आए दिन आप देखते होंगे टेलीविजन पर अखबारों के माध्यम से जो इनकी सरकारी जो एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां जो कोई थोड़ा बहुत भी बोलता है उसकी आवाज को दबाने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए घर पर छापा मरवाने का काम तो करता है, तो ये बीजेपी के लोग करते हैं। मुख्यमंत्री जैसे सभी के लोगों को जेल के अंदर डालने का काम अगर किसी ने किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। इतनी अहंकारी सरकार शायद देश और प्रदेश में पहली बार बनी है। हमारा जो इस एरिए का मंत्री 10 दिन पहले आपने बयान सुना होगा, एक जनसभा में बड़े हर्ष हर्ष से बोला था, बड़ा गलती से अगर पंडित जी कि उनको पता है हमारी विदाई क्या है, लेकिन अगर बड़ा पंडित जी तो हमें 6 महीने में हमारी दिल्ली वाली जो सरकार है वो गिरा देगी, क्योंकि इन लोगों के मनसूबे जो है वो आसमान पे है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, वो गिरवाई। गोवा में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वो गिराई। और हमारे राजस्थान में इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे विधायकों का कि राजस्थान में इनके जो मनसूबे थे वो नाकाम करने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उस टाइम राजस्थान में किया। बहुत से ऐसे क्षेत्रों में चाहे किसी प्रदेश में आए दिन आप पढ़ते हो, कोई नेता हो या कोई व्यापारी हो, आज जो डर का जो माहौल भी है, जेपी दलाल आपने इंद्रावान डाकू भाषण सुना होगा, जो हमारी बहन बेटियों के बारे में जो बुरा बोला, जो सारी बातें आप लोगों को पता है। हमारी जो बहन बेटियां सबके बराबर समझते हैं, समान समझते हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग संवैधानिक पदों पर बैठ करके मंत्री और संतरी भाई जी बोलते हो, साथियों ये समझा करता है कि भाई इनका तो कोई घमंड का कोई ठिकाना ही नहीं है। और जो घमंड का अगर कोई तोड़ने का काम करता है, रावण ने घमंड किया था तो उसका भी घमंड नहीं चलता। ये पता तंत्र का प्रणाली का जो मैं समझता हूँ, किसी बड़ी बड़ी व्यास को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो छत्तीस बिरादरी के भाई ने किया। हमारे पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग साथ बैठे थे, हमारे लोहार का नवाब का राज होता था और तब नवाब ने अत्याचार किए, जो उसकी सीमाएं चरम सीमा पर थी तो उसको रात के अंधेरे में भगाने का अगर किसी ने काम किया तो छत्तीस बिरादरी के भाई ने हमारे बुजुर्गों ने किया। समय समय पर ऐसे आंदोलन होते रहते हैं। अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले मेरी माता और आपके लिए घोषणा पत्र जो जारी किया, महिला सम्मान की बात करते थे, महिला सम्मान बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, लेकिन बेटी को सम्मान देना, बहन बेटी का सम्मान करना, माता का सम्मान करना सब गलत की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमारी माताओं के लिए जो महिला परिवार में सबसे बड़ी है उसको 2,000 रुपए महीना सम्मान कोई पाया गया तो कानून में प्रावधान किया जाएगा, उसको सजा देने का प्रावधान
चाहे हमारे नौजवान साथी की बात करें, सबसे पहले एक नंबर पर घोषणा पत्र में नौजवान साथियों के लिए जो रोजगार के अवसर दो मार्ग पर हमारे प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं, वो भी मंजूर शुदा उद्यान और नौजवान साथियों के रोजगार के अवसर खुलेंगे और पक्की भर्तियां करने का काम पहली तरफ से आबकारी के बाद नजर आएगा। पहली तरफ से नौजवान साथियों के जो रोजगार के अवसर खुलेंगे, जो आज हमारे प्रदेश और देश का युवा अपने भविष्य के लिए अपने रोजगार के लिए जो चिंतित और समझदारों के जो आज इतना बेरोजगारी का जो आलम है, ये लोग कहते हैं बिना पर्ची बिना पर्ची। पिछले टाइम आप लोगों ने देखा होगा जब इनका चेयर बेनकाब हुआ, एमपीएससी का जो चेयरमैन था करोड़ों रुपये नगद उसके ऑफिस में जब मिले तो उन लोगों का पता लगा कि कैसा इनका जो भर्तियां नीलाम की जाती है, सरेआम गोलियां लगती है तो इस बीजेपी की सरकार में लगती है। साथियों तमाम बातें आप लोगों के सामने, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों की बात करूं, सौ सौ गज के प्रात अगर किसी ने दिए गरीब परिवार की आवाज को अगर किसी ने सुना तो आदरणीय हुड्डा साहब ने सुना। 10 साल के शासनकाल में कोई भी परिवार ये बता दे कि 10 गज का प्रात भी किसी परिवार को मिला है। आदरणीय हुड्डा साहब ने घोषणा पत्र में जो ऐलान किया है उन परिवारों को दोबारा से उसकी चालू करके 100 गज का प्लाट जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है और उसमें भाई 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे लेटरिंग बाथरूम साथ में बना के देने का काम करेंगे। पार्टी हर जात्री के भाइयों के लिए किसान से लेकर मजदूर तक, चाहे हमें हमारे जो मनरेगा के मेट है, ग्रामीण जो चौकीदार है, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने का जो वादा किया कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, तमाम बातें आप लोगों के सामने। चाहे हम पुराने जो हमारे कर्मचारी हैं ओपीएससी पुरानी पेंशन की जो उनकी मांग है उसको दोबारा से लागू करने का जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया है कर्मचारियों के लिए, मैं कहता हूँ कि जितनी भी भर्तियां होंगे उनको पहले से उनकी डिमांड है उसको भी पूरा करने का जो वायदा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं किसान से लेकर व्यापारी से लेकर मजदूर से लेके कर्मचारी से लेके चौकीदार से लेके नंबरदार से लेके सभी बिरादरी के भाइयों ने भाइयों के लिए कांग्रेस पार्टी जनकल्याणकारी योजनाएं आपके लिए लेकर के आ रही। साथियों मैं तो एक ही निवेदन आप लोगों से करता हूँ, मेरी जो अपनी सोच रही होगी आप लोग सभी जानते हो, हर परिवार को मैं जानता हूँ, हर घड़ी को जानता हूँ, हर मोहल्ले को जानता हूँ। पिछले 5 साल में नहीं, आप लोगों के सहयोग से मैं जिला परिषद का आपने मेंबर बनाया, उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष बना 2010 से 2015। मेरी जो अपनी कोशिश रही है 5 साल में लगातार तो मैं लगातार आपके बीच में आता रहा हूँ, कभी भी मैंने कोई पार्टी बाजी या ये बात नहीं बोली होगी, किसी भी भाई का कोई फोन आया होगा तो मैंने दुख में सुख में हमेशा साथ होने की कोशिश की है। जो आज अपने भाई के प्रति जो समर्पित भाव से पूरे 5 साल में अगर मैं कहीं बात भी होता हूँ तो टीम प्रिया के नाम से भाई हजारों नौजवान साथी, आज चाहे मैं कुटुंब की बात करूँ, रात दिन एक करके घर का काम छोड़ करके कभी कमी महसूस नहीं होने की, जहाँ भी जरूरत पड़े टीम प्रिया का मेरा भाई हमेशा अपना भाई के लिए तैयार मिला। तमाम भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ, हमारी माता और बहनों का भी, जहाँ भी जरूरत पड़ती है आवाज आती है, अगले तारीख आ जाती है, वो तारीख नहीं रहती, अगली तारीख में प्रोग्राम पूरे होते हैं। तो इतना प्यार और प्रेम जो आप लोग देती हो मेरी माता बहनों से लगाकर छोटे बच्चों से लगाकर नौजवान साथियों से लगाकर बुजुर्गों से लगाकर सभी ने समान रूप से जो मेरे को प्यार प्रेम दिया और जिस भावना से मैंने काम किया था सारे भाइयों के साथ एक लेकर के चलने का, आज कोड़ी गांव का भी धन्यवाद करूंगा। किसी गांव में भी जाता हूँ आवाज यही आती है चेयरमैन साहब हमारे गाँव में 80%, हमारे में 75%, किसी गाँव में तो 90%, किसी में 5%। साथियों इस स्टेज के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, चाहे वो बोल नहीं कर रहे
की और 36 बरादरी के भाइयों को साथ लेकर चलने की। और मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे स्वभाव में, मेरे बोलने में या टीम भाटिया के किसी सदस्य है किसी प्रकार के भी कोई ठेस अगर पहुंचे हो तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। हम परिवार चलने वाले इंसान है, हम अनुशासन में रहकर कार्य करने वाले इंसान है। हमारी जो कोशिश है आज 80% 90% कामयाब हुई, 5-10% जो बचा है भाई उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब 5 तारीख को हमारा जो वोट के अधिकार से प्रजातंत्र का त्यौहार है वोट डालने जब जाओ तो कम से कम 5 मिनट जरूर निकाल करके एकांत में बैठ के सोचना जरूर कि हमारा कौन भला कर सकता है। 5 साल नहीं 10 साल में आपने मेरे को भी देखा है और जितने भी देखा है उनको भी देखा है। कौन गरीब आदमी की सुन सकता है, कौन हमारे परिवार को जोड़ सकता है, कौन नौजवान साथी की बात को समझ सकता है, कौन बहन बेटी का सम्मान करता है, कर सकता है, ये तमाम बातें बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सभी 10 साल में सारी बातें देख ली है, जितने भी थे कोई आंदोलन है चाहे कोई एजिटेशन हो इतने लंबे लंबे आप लोगों ने सबको अंत में मैं तो निवेदन यही करना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में एक बात थी कि भाई सारे काम ठीक ठाक है, चेयरमैन साहब से फेरे हुआ टिकट ले आना है वो पर्ची ले आना, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस देश के माध्यम से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और सबसे बड़ा योगदान उसे मान सम्मान में अगर किसी का रहा तो भाई दीपेंद्र हुड्डा का रहा, जो आपकी भावना को समझा, आपकी आवाज को समझा, अपनी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजने का योगदान किया। साथियों अभी ये जो मान सम्मान है मेरी माता और बहनों बुजुर्गो ये सम्मान आप लोगों का है, ये राष्ट्रीय भाई का मान सम्मान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के भाइयों का है। ये इलेक्शन लड़ना है तो आप लोगों को लड़ना है, अपने आप को राजनीति समझना है, आपका भाई और बेटा हूँ, किसी प्रकार की कोई गलती भी होगी होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो हमारा विजन है जो हमारी सोच है सारे भाई एक होकर के इलेक्शन पहले भी बहुत हुए हैं एमएलए पहले भी बहुत पड़े आगे भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन अपना जो भाईचारा है मेरी सोच ये है उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको अनुशासन में रह करके इलेक्शन लड़ना है, भावना के साथ आप लोग हैं। और नौजवान साथियों की पूरी टीम ने जो इतना अच्छा जो कार्यक्रम किया सारे विकास को तोड़ने का काम किया उसकी जो पूरी टीम का पूरे भाइयों का हमारी माता और बहनों का उन्होंने भी 2-3 किलोमीटर लगातार मैं देख रहा था पूरे नाम गांव के साथ मान सम्मान के रूप में सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी और मैं धन्यवाद करना पूरे गांव का लड्डू भी बन रहे हैं आपके लिए प्रसाद भी हमारे आपके लिए प्रसाद लेकर के आए तो सभी को भाई पहले तो हमारी बहन और बेटे यहाँ पर आई माता जी आई है इनको देने का काम करोगे और 5 तारीख का बहुत कम समय लगा दोबारा शायद मैं नहीं आ पाऊँ लेकिन आप लोगों को परिवार को संभालना है और गांव को संभालना है ये जिम्मेवारी आप लोगों की है, इसमें कोई कमी ना रहे तरह तरह की बातें आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन आप लोगों को उसको छत्तीसगढ़ सावधान रहने की जरूरत है, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे लालच भी देंगे लोभ भी देंगे सारे काम करेंगे लेकिन आपको किसी प्रकार से डरने की